अरसाई दे के फिर अगे उच्चारण कर दिया। कबीर साहब जी काजी कह लगा भी तेन सुनत करनी चाहती सी, तू हूं तक नहीं कराई सुनत। साढ़े पैगंबर जिहड़ा इब्राहिम ने उन्हें सुनत की सी, इस करके तू क्यों नहीं कराउंदा। इस शरा तो उल्ट चलदा तू ते उत्तर विच कहिंदे हन, सकत स्नेहो कर सुनत करिए। हे काजी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਖਤ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਨੇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਤ ਕੀਤੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨੇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮੋਹ ਦਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸਖਤ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਨੇਹ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस करके हे भाई मैं ना बदोगा भाई, ये मैं रब दे वलों सुनत करनी, मैं नहीं इहनू बदाऊंगा, मैं नहीं मनदा ए भी ये खुदा ने कहा। इस करके इहदा खंडन है, ये जिहड़ा बदाऊगा जिहड़ी बद उगा ना बन जाए, पाठ पूरा इधर लगे ते जिहड़ा गग्गा है वह पिछेत्र कर लेना है। मैं ना बदाऊगा भाई, हे भाई मैं नहीं मनदा इस गल भी खुदा ने कहा थोनू भी सुनत करो। उस साध सिंह जी महापुरखा ने संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने कथा के दौरान यदि इस तरह की साखी सुनाई है, तो वह अगे चल के आ जाती है। कुछ ग्रंथा के लिखित रूप के मिलदी दो गल्लां, पर चलो किसी के पैगंबर की गल करके दिल दिखाने वाली गल बहुती करनी भी नहीं चाहती। तो इस तरह का लिखा भी इब्राहिम पैगंबर द जिहड़ी पहली पत्नी सी उहदा नाम सी साराह, इहदे औलाद नहीं सी होई। इस करके इब्राहिम पैगंबर पासों उन्हें प्रण कराया होया सी कि मैं दूसरी औरत नाल शरीरक संबंध नहीं करांगा, जे करांगा तां तूं मेरा सिर वढ दई। उह इक दिन इब्राहिम दा किसे उहदा हाजरा नामे गोली सी उहदे ते मन हो गया, उहदे इस्माइल नाम दा बच्चा जम्मिया, तो अगो गल प्रगट हो गई। तो दूसरी औरत नाल संबंध करन करके पहली औरत जिहड़ी सराह सी उन्हें कहा भी हुण तू अपना वचन हार गया, ये पूरा कर। इब्राहिम ने कहा भी मैं तेरा गुनाहगार हाँ, तू जो मर्जी है बन दी सजा दे, ठीक है मैं वचन दिता है। सराह ने कहा भी अपने प्रेम पति दे प्रेम विच आके उन्हें कहा भी जिवें दा सिर वड्या फिर मैं भी तां विधवा हो जाऊँ। उन्हें कहा भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें सजा ने छोटी कर दिता। इब्राहिम दे नाल प्रण कीता सी तेरा जिहड़ा भी अंग दूसरी औरत नाल लगेगा वह मैं कट देंगी। वह पूरा करन वास्ते इब्राहिम नूं कहण लगी जो जो अंग तुहाडी औरत नाल छोए है उत्थे मैं शरीर दे रोम कट देनी है ते प्रण पूरा कर लेनी है। सिर कलम करन दी बजाय उहदी थां ते सिर दे वाल कट दित्ते, होठां दे मुछां कट दित्तियां, छाती दे वाल कट दित्ते, तो पेशाब इंद्री का मूहरे जिहड़ा मास सी इंद्री का कट दिता। इस प्रकार आपने सुनत करवाई, तू अपनी वंश विच इसका प्रचार जारी किया है। तो उन्होंने फिर इस तरह सुनत होने तो बाद अपनी वंश नूं कह दिता भी भाई सारी सुनत कराओ, ये खुदा का हुक्म हो गया। उस वेले इब्राहिम की आयु जिहड़ी 99 साल की सी, सारी उम्र ने 175 वरे की हुई, एडा वड्डा पैगंबर होया है। पर इस तरह की साध संगी वह कबीर साहब ने इशारा दिता। वो दूसरा महापुरखा ने यह भी दस्या सी कि इब्राहिम पैगंबर इहदी पहली पत्नी वह तो उही नाम भी सराह सी उहदा नाम। जदों एक दिन इब्राहिम जंगल च घूमण गया, जंगल विच एक अपशरा मिली जिहनूं सराप होकर मातलोक विच आउणा पिया सी, देवलोक सराप हो गया सी उहनूं। जंगल विच बैठी सी अपशरा रोंदिया वेख के इब्राहिम ने उहदे ते तरस कीता भी रो क्यों रही है। उन्हें अपनी सारी वार्ता दसी भी मैनू विश दे विचों गिराया गया, मैनू सराप हो गया, मातलोक च आउणा पिया मैनू। इब्राहिम उहदे सुंदर सरूप नूं वेख के कहिंदा भी तू मेरी बीवी बन जा, मैं तैनू जिहड़े पदार्थ चाहीदे उह भी देंगा। तो वह अपशरा कहण लगी भी तेरे घर तां पहलां औरत है, पहला उन्हों तलाक दे फिर मैं तेरे घर बसांगी। दूसरी गल यह है कि जदों तू वापस लै आंदी फिर तेनू जो मैं चाहूँ वह सजा दूँ, उस तरह दंड दें। इब्राहिम अपशरा दे अखे सख्त स्नेह, वह स्नेह करके मोह दे अधीन होकर कबीर साहब कहिंदे वह शर्तां मन लईआं।
अपनी पहली इस्त्री नूं माता पिता दे कोल छड्डिया भेज दिता। अपशरा इब्राहिम दे घर रहण लग पई। तो कुछ समय बाद एक मरीद अपने पुत्र नूं इब्राहिम दे पास लैके आया, पैगंबर साहब मेरा पुत्र जिहड़ा इहनूं समझाओ। कहिंदे क्या बात हो गई? कहिंदे अपनी इस्त्री नूं लैके नहीं आउंदा, उहदे नाल झगड़ा कितें थोड़ा बहुत होया पैदा। तां पैगंबर इब्राहिम ने कहा, काका ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰੀਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤਰੀ ਪਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੰਡ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੰਨ ਪੀ ਏਕ ਪੰਥ ਉਪ ਰਾਜਾ, ਲਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕੀਨੇ ਸਭ ਰਾਜਾ। ਇਉਂ ਸਹਿਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਥਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਧਾਊਂਗਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਜੋਰੇ।